हेलो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए जिससे कि जब हम लाइव हो तो आपको पता चल जाए या हम जो भी वीडियोस अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप एंड सिम्पोजियम। क्योंकि अभी हमने कल जो अपना लाइव सेशन किया था उसमें जो भी हमने क्वेश्चन पूछे थे तो हमारे पास ये डाउट आया था कि कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप एंड सिम्पोजियम में क्या डिफरेंस होता है, उस पर भी एक वीडियो बनाइए। तो हमने इसका एक सेपरेट वीडियो जो है वो बना दिया है। देखिए, इसको हमने कुछ बेसिस पर बताया है कि किस बेस पर हम इनमें डिफरेंस बता रहे हैं। वैसे जनरली देखा जाए तो ये चारों चीज़ें बहुत हद तक सिमिलर लगती हैं, पर इनमें बहुत कॉमन सा डिफरेंस होता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इनको अंतर इनमें करती हैं। तो हमने उसी को पूरा मेहनत करके आपके पास में ये वीडियो बनाया है, तो उसे समझिए। देखिए, फर्स्ट बेसिस है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। अगर हम देखें कि सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, सिम्पोजियम एंड वर्कशॉप में लगभग लगभग कितने पार्टिसिपेंट होते हैं, तो उसके बेसिस पे सेमिनार जो होता है वो हमारा 5 से 10 लोगों तक का ग्रुप होता है लगभग, और ये बहुत छोटे लेवल पर कंडक्ट किया जाता है। जो कॉन्फ्रेंस होती हैं उसमें हमारे 52,000 पीपल तक हो सकते हैं। ये नेशनल, इंटरनेशनल सब होती हैं, इसलिए इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है वो हमारा 52,000 हो सकता है। सिम्पोजियम ये भी नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर किया जाता है, पर जो इसके डेलीगेट्स बोला जाता है, जो कॉन्फ्रेंस और सिम्पोजियम में पार्टिसिपेट करने वाले पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको, तो जो इसमें डेलीगेट्स होते हैं वो लेसर होते हैं जो कॉन्फ्रेंस में जितने लोग होंगे लगभग उससे, मतलब 1,000 तक पार्टिसिपेट या डेलीगेट सिम्पोजियम में नहीं होते, 50-60 इतने लगभग हो सकते हैं। फिर भी ये ज़्यादा बड़ा नंबर है, जो 50 भी हम बता रहे हैं ये सिम्पोजियम के लिए एक लार्ज नंबर है। एंड वर्कशॉप में बहुत ही कम पार्टिसिपेंट होते हैं कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड। नेक्स्ट देखिए, हु आर द पार्टिसिपेंट्स। अब इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, हमने नंबर तो पता कर दिया, पर जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनका लेवल क्या होगा, वो कौन होंगे। तो जो सेमिनार होता है वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के एक किसी इंस्टीट्यूशन के बेसिस पर कंडक्ट किया जाता है। तो उस जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो भी मेंबर होंगे, अगर एम्प्लॉय हैं किसी कंपनी में हो रहा है कोई सेमिनार, तो उससे रिलेटेड एम्प्लॉय, या उससे कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई सेमिनार है तो उस प्रोडक्ट को बनाने वाले और उसको यूज़ करने वाले वो लोग उस सेमिनार में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब सुनने वाले। और जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो वही लोग होंगे जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगे। और अगर हम किसी इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो स्कॉलर्स हैं, या किसी क्लास में अगर कोई सेमिनार कंडक्ट हो रहा है तो वहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो हमारे पार्टिसिपेंट हो जाएंगे सेमिनार के केस में। कॉन्फ्रेंस के केस में, कॉन्फ्रेंस की जो थीम होती है वो ब्रॉड रखी जाती है, तो वहाँ पर हमारे जो पार्टिसिपेंट होंगे वो कोई भी हो सकते हैं जिसको उस फील्ड से रिलेटेड कुछ ना कुछ नॉलेज है। स्कॉलर या एक्सपर्ट जो भी हैं वो हमारे पार्टिसिपेंट कॉन्फ्रेंस के केस में हो सकते हैं। सिम्पोजियम में जो पार्टिसिपेट होते हैं वो बहुत एक्सपर्ट पर्सन्स होते हैं उनकी फील्ड में, क्योंकि सिम्पोजियम का मेन मकसद होता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत गहन डिस्कशन करना, जिसमें सभी लोग पहले अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करते हैं और फिर उसके बाद में उस पर कुछ कुछ डिस्कशन किया जाता है, जिसके बेसिस पे सभी अपने जो व्यूज़ है उसको एक्सचेंज करते हैं। तो जो उसमें पार्टिसिपेंट जो होंगे वो हमारे बहुत एक्सपर्ट पर्सन होंगे, किसी इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स हो सकते हैं, या फिर रिसर्चर्स का मतलब जो रिसर्च पहले कर चुके हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग, या फिर कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर्स वगैरह हो सकते हैं जो सिम्पोजियम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वर्कशॉप में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि इसका मेन मकसद होता है कुछ नया सीखना। एरिया, ज्योग्राफिकली अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया जो इसमें होगा वो सेमिनार में हमारा विद इन वन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। ज्योग्राफिकली का मतलब कि कहाँ पर कंडक्ट हो रही है ये, और इसमें कौन कौन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कैसे लोग होंगे। तो सेमिनार जो है वो किसी एक इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही कंडक्ट किए जाते हैं, उससे ज़्यादा ब्रॉडर लेवल पे नहीं रहते। ये कॉन्फ्रेंस हमेशा छोटे लेवल पर कंडक्ट होते हैं, जबकि कॉन्फ्रेंस एंड सिम्पोजियम दोनों ही नेशनल एंड इंटरनेशनल कंडक्ट किए जा सकते हैं। वर्कशॉप हमारी लोकल लेवल पर कंडक्ट की जाती हैं, जिसमें कि कुछ हैंड्स ऑन एक्टिविटी करवाकर कुछ नई चीज़ को सिखाया जाता है। सब्जेक्ट एरिया, सब्जेक्ट फोकस एरिया, मतलब जो सेमिनार और इन सब ये सारी चीज़ें हैं इसमें जो हमारा फोकस एरिया होता है वो क्या होता है। सेमिनार में हम किसी पर्टिकुलर इशू पर फोकस करते हैं, कुछ एक टॉपिक है या उस टॉपिक के आसपास का कुछ है उस पर हम फोकस करके और उससे रिलेटेड प्रेजेंटेशंस दी जाती हैं। जबकि कॉन्फ्रेंस में लगभग जो है जनरल थीम रखी जाती है,
और जनरल थीम भी उसमें ऐसी होती है जैसे कि अगर हमने किसी जो है ह्यूमैनिटीज के ऊपर ले लिया तो उससे रिलेटेड हमारे पास काफ़ी सारे उसके अंदर डिसिप्लिन्स आ जाएंगे, तो उन सभी डिसिप्लिन से रिलेटेड कोई भी प्रेजेंटेशन अपना हो सकता है। या साइंस से रिलेटेड ले लिया तो साइंस में हमारी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री और ये सारी जो बायो जूलॉजी बॉटनी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो उससे रिलेटेड कोई भी अपना प्रेजेंटेशन वहाँ पर पेपर की कर सकता है। सिम्पोजियम में क्या होता है, वहाँ पर फोकस ऑन अ पर्टिकुलर इशू और सिंगल टॉपिक, ये मोर प्रिसाइज होता है देन सेमिनार। सेमिनार से भी ज़्यादा प्रिसाइज होकर हम सिम्पोजियम में जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो उस पर डिस्कशन करते हैं और अपने व्यूज़ को प्रेजेंट करते हैं। जबकि वर्कशॉप में भी हमारा एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है, वो स्पेसिफिक उस केस में होता है कि हम कोई नॉलेज शेयर कर रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं ऐसे पर्संस को जहाँ जिनको उस फील्ड से रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है या कम नॉलेज है, तो वहाँ पर ये हमारा कुछ स्किल बेस्ड रहता है वर्कशॉप ज़्यादा। जबकि सिम्पोजियम में जो हमने रिसर्च किए हैं उनके आइडियाज़ को बता रहे होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं। इन कॉन्फ्रेंस में केवल हम आइडियाज़ की शेयरिंग करते हैं। सेमिनार एक छोटे लेवल का हमारा कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, सिम्पोजियम को भी हम छोटे लेवल का जो है कॉन्फ्रेंस कहते हैं, पर यहाँ पर जो है एक्सपर्ट ही पार्टिसिपेट करते हैं। जो टॉक्स होती हैं उसमें कॉन्फ्रेंस में रिसर्चर स्कॉलर्स जो एक्सपर्ट नहीं है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेमिनार हमारा लोकल लेवल का कॉन्फ्रेंस हम उसको एक वर्ड में कह सकते हैं। इसके बाद में जो हमारा टाइम ड्यूरेशन रहता है वो सेमिनार होता है 1-2 घंटे का, 2-3-4 घंटे का हो सकता है, जबकि कॉन्फ्रेंस कुछ दिन तक चलती है। उसमें अलग अलग स्लॉट्स होते हैं अलग अलग टॉपिक के अकॉर्डिंग, या फिर जो है पार्टिसिपेंट्स उनके नंबर्स के अकॉर्डिंग जो है कॉन्फ्रेंस में अलग अलग स्लॉट्स रखे जाते हैं। जो सिम्पोजिया होता है वो एक ही दिन में हो जाता है क्योंकि कॉन्फ्रेंस से छोटा पार्ट है और बहुत गहन अध्ययन वाली चीज़ें इसमें होती हैं, तो एक ही दिन में जो भी डिस्कशन होता है कुछ 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 मिनट्स की या फिर कुछ आधे घंटे की ऐसी टॉक्स होती हैं जो उसमें सिम्पोजियम में जो है प्रेजेंट करते हैं। वर्कशॉप ये भी हमारा 1 या 2 दिन तक चलता है, जिसमें ऐसा हो सकता है कि एक दिन में किसी चीज़ की हम नॉलेज दे रहे हैं एंड सेकेंड डे में उस कॉन्सेप्ट या जो भी कुछ बताया उसके हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके देखी जा रही है। वर्क टाइप, अब देखिए हम इतने जैसे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें क्या होता है। अब एग्जैक्टली देखिए, सेमिनार में प्रेजेंटेशन एंड डिस्कशन होते हैं केवल, और क्वेश्चन भी पुट अप कर सकते हैं कि आपने ये प्रेजेंट किया तो इसमें ये क्या था वो क्या था, ऐसा करके भी आप क्वेश्चन कुछ भी पूछे जा सकते हैं। कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेंट अपने व्यूज़ को एक्सचेंज करते हैं, जो भी उन्होंने वर्क किया है उसके ऊपर बात करते हैं, जो कि टॉक और पोस्टर के फॉर्म में हो सकती है। मतलब अपना जो प्रेजेंटेशन है वो या तो प्रेजेंटेशन जैसे जैसे बोलकर और पीपीटीज के थ्रू प्रेजेंट भी कर सकते हैं, या पेपर पढ़कर भी प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर पोस्टर प्रेजेंटेशंस भी होती हैं कॉन्फ्रेंसेज में। टॉक्स बाय प्रोमिनेंट स्पीकर्स, और साथ ही साथ उस कॉन्फ्रेंस में कुछ प्रोमिनेंट स्पीकर्स होते हैं किसी स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड, कुछ वहाँ पर एक्सपर्ट्स होते हैं जो अपनी कुछ व्यूज़ उनको देते हैं कॉन्फ्रेंस के सारे डेलीगेट्स और पार्टिसिपेंट्स को। सिम्पोजियम में क्या होता है, फ्यू नंबर्स ऑफ एक्सपर्ट्स विल कम टुगेदर, कुछ ही जो एक्सपर्ट्स होते हैं बहुत थोड़े से वो आपस में साथ में बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं कुछ टॉपिक्स पर, अपना प्रेजेंटेशन करते हैं जो भी उनका वर्क होता है, और कुछ ना कुछ जो डिस्कशन सेमिनार में ज़्यादा डिस्कशन किए जाते हैं, बस सिम्पोजियम में इतना डिस्कशन नहीं होता। यहाँ पर हमारा जो फोकस होता है वो होता है प्रेजेंटेशन एंड लेक्चर्स पर, एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो कम होती हैं देन वर्कशॉप। मतलब वर्कशॉप से कुछ, कॉन्फ्रेंस में हमारे पास कोई भी हैंड्स ऑन एक्टिविटी नहीं होती, सिम्पोजियम में बहुत छोटे लेवल की अगर बहुत ज़्यादा नीड है जैसे लैब एक्टिविटी वगैरह कुछ है बहुत ज़्यादा नीड है उसकी, तो सिम्पोजियम में वो एक बहुत छोटे लेवल पर हो सकती है जो कि आपस में एक्सपर्ट्स ही उसको करते हैं। वर्कशॉप में क्या होता है, यहाँ पर मोर एम्फेसिस हमारा दिया जाता है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस और एक्टिविटीज़ पर, या लेबोरेटरी वर्क पर। पार्टिसिपेंट्स लर्न न्यू स्किल्स एंड टू फेमिलराइज विद समथिंग न्यू, यहाँ पे पार्टिसिपेंट अपनी जो भी नई स्किल है उससे रिलेटेड कुछ सीखते हैं, जो भी कुछ नई स्किल्स हैं उनको सीखते हैं, और वो पार्टिसिपेट करते हैं कुछ भी नया सीखने के लिए जिसके उनको पहले से नॉलेज नहीं है और जो उनके लिए यूजफुल फ्यूचर में हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, लेवल ऑफ इवेंट, ये इवेंट जो होते हैं चारों वो किस लेवल के होते हैं। जो हमारा सेमिनार है वो कॉन्फ्रेंस से स्मॉलर लेवल का ही होता है, कॉन्फ्रेंस सबसे लार्जेस्ट लेवल का जो है
इवेंट है, सिम्पोजियम स्मॉलर देन कॉन्फ्रेंस एंड वर्कशॉप भी स्मॉलर देन कॉन्फ्रेंस रहता है, ये इसका कुछ कंपैरिजन है। टाइम टेबल जो रहता है सेमिनार में नॉट मच फिक्स, मतलब इतना फिक्स टाइम नहीं होता, कॉन्फ्रेंस में फिक्स टाइम टेबल होता है और साथ में कॉन्क्रीट इवेंट्स में ही अकर, मतलब अगर वहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ज़्यादा है तो ऐसा भी होता है कि सेम टाइम पे अलग 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 जगह कुछ टॉक्स हो रही होती हैं, कुछ प्रेजेंटेशंस हो रही होती हैं, या तो उनको उनके सब्जेक्ट एरिया वाइज स्पेसिफिक डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग, या उनके नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट मतलब जो उनका उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर था उसके बेसिस पर डिवाइड कर दिया जाता है। ये हो सकता है कि एक ही टाइम पे दो तीन जगह टॉक्स चल रही हो अगर पार्टिसिपेंट ज़्यादा हैं तो। सिम्पोजियम में क्या होता है, जो टॉक्स होती हैं वो फिक्स होती हैं क्योंकि कुछ थोड़े से ही पार्टिसिपेंट होते हैं और उनको जो भी डिस्कशन करना होता है वो फिक्स रहता है। वर्कशॉप में टाइम टेबल इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट सेशन, वर्कशॉप में भी टाइम टेबल डिफरेंट सेशन में डिवाइड रहता है। कैसे, जैसे हमने अभी बताया अगर 2 दिन का वर्कशॉप है तो ये हो सकता है कि एक दिन हमने उसमें कुछ भी डिस्कशन से रिलेटेड रख दिया कि बच्चों जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं हमने उनको कुछ सिखाया, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर टीचर एजुकेशन से रिलेटेड एग्जांपल ले लीजिए तो हमने टीचिंग एड्स का कुछ वर्कशॉप रखा, तो पहले दिन तो उन्होंने टीचिंग एड्स से रिलेटेड, पहले दिन के हाफ सेशन में हमने टीचिंग एड्स से रिलेटेड कुछ उन्हें इन्फॉर्मेशन दे दी कि क्यों ज़रूरी है, कैसे बनानी चाहिए, क्या होना चाहिए। सेकेंड जो फर्स्ट डे का ही अगर सेकेंड सेशन की बात की जाए तो हो सकता है हम उसमें उन्हें कुछ टीचिंग एड्स बनाकर दिखाएं। अब नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, उन सभी को पार्टिसिपेंट्स को कुछ ऐसे जो है एड्स बनाने के लिए कहेंगे जो उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो और जो जिससे बच्चों को हेल्प मिले, और फिर बाद में उनका जजमेंट कर किया जाएगा या फिर उनको कुछ क्लूज दिए जाएंगे कि आप ऐसे करके इसको सुधार सकते हैं या और कुछ आइडियाज़ दिए जाएंगे। तो हमने आपको ये वर्कशॉप का पूरा एग्जाम्पल बता दिया। देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है सेमिनार में, लेस फॉर्मली स्ट्रक्चर्ड देन कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस हमारा ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है और सेमिनार इतना स्ट्रक्चर्ड नहीं होता। सिम्पोजियम में हम मोर प्रेस्टिजियस एंड स्ट्रक्चर, सिम्पोजियम भी जो होता है वो हमारा बहुत प्रेस्टिजियस होता है एंड स्ट्रक्चर्ड होता है। वर्कशॉप इतना स्ट्रक्चर्ड नहीं होता जितना हमारा कॉन्फ्रेंस स्ट्रक्चर्ड रहता है, वही रीज़न है कि वर्कशॉप में हमारे पास इतनी ये फ्लेक्सिबिलिटी रखना ज़रूरी होता है क्योंकि वहाँ पर हम कुछ स्किल सीख रहे हैं। अगर वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखी गई, टाइम को इतना बाउंड रखा गया तो हो सकता है कुछ पार्टिसिपेंट्स को इतना वो वर्कशॉप जो है वो हेल्पफुल ना रहे। ये हमारा था पूरा एक्सप्लेनेशन कि इन चारों में डिफरेंस क्या होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके डाउट्स को क्लियर करने का पूरा ट्राई करेंगे। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।